नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बारिश वैसे तो प्रकृति की सौगात की तरह होती है। बारिश से जहां फसलों को जनजीवन मिलता है तो वहीं पेयजल का संकट भी दूर होता है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की हठधर्मिता से ये बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेमित्रा जिले के ग्रामीण अंचल की, जहां जिले की ग्राम पंचायत टिमरी में कीचड़ और पानी से भरा पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ना तो पानी के लिए निकासी है और ना ही यहां चलने के लिए रास्ता, जिससे ग्रामीण कोसों दूर विकास से अब नजर आ रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, गांव में सड़क भी नहीं बनी है और ना ही पानी के लिए निकासी की व्यवस्था है, जिसके कारण पूरे गांव में घुटने तक पानी भर जाता है। ग्रामीणों की लाख मिन्नतों के बाद भी सरपंच सचिव सुध नहीं ले रहे। सड़क की बात करें तो कई जगहों पर सड़क के नाम पर नदी बह रही है। वहीं कई जगह ईंट बिछा दी गई है, जिससे ग्रामीणों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। विकास के नाम पर अभी तक सरपंच ने कोई भी काम नहीं किया। इतना ही नहीं, गांव में कई एकड़ खेत ऐसे हैं जो पानी में डूबे रहते हैं और पानी निकलने का साधन ना होने से किसान अपने ही खेत की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, स्कूल भी गांव से कोसों दूर है। ऐसे में बच्चे कीचड़ से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं। कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहे। अब देखना ये होगा कि क्या ग्रामीणों को इन मुसीबतों से निजात मिलती है या फिर यूं ही ईंटों और घुटने तक भरे पानी वाले रास्ते पर चलना होगा। कारण क्या है? रोड में है, जमीन है, उबड़ खाबड़ है, जिमे चलने में सहे होते और सीधा उमा गिरे के डर भी रही थे और सभी चले में भी डर रहे थे। कीचड़ है, रोड नहीं बनी, यहाँ तो सरपंच है, सब है, पंच भी है गांव में, तेमा नहीं बना सकते। घर से पानी नाली बना थे, बहा थे, उमा रोड नहीं है, रोड में सीधा जाते, नाली बनाना चाहिए, नाली भी नहीं है, सब सड़क में पूरा कीचड़ होगा। सबसे प्रथम बात, पानी का यहाँ जो समस्या है वो तो है ही, नाली का तो कोई मतलब कोई निकासी ही नहीं है पानी का, ये प्रथम समस्या है। दूसरा समस्या ये है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पंचायत बिल्डिंग, इसका भी कोई मैं बाप नहीं है, ये 2 महीने से ऐसी बंद पड़ा है। दो, तीसरा ये है सड़क, सड़क का भी कोई ठिकाना नहीं है। ईटा भट्टा 2-2 है हमारे गाँव में, लेकिन पूरा गड्ढा से ना यहाँ से वहाँ तक आप चल सकते रोड में। 50 एकड़ की खेती जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है, गांव के पानी का निकासी ही नहीं है। बिजली आए दिन रात को शाम को 6 बजे अगर कहीं बंद हो गया तो उसके बाद 2-3 दिन तक गोल है तो वो आएगा ही नहीं। अटल ज्योति का सप्लाई बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जिससे किसान अलग परेशान है। खेत तक के इधर मेन गौठान में भी कब्जा करके नाली बंद कर दिया गया है। यहाँ जगह जगह पानी निकलने में परेशानी हो रही है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ जो हर हमेशा सफाई करता हूँ, तो बड़े मुश्किल से मेरे घर की पानी निकलती है। यहाँ तक खलिहान मेरे घर में चलने के लिए रास्ता भी नहीं रहता, इतना पानी भरा होता है। छोटे छोटे बच्चे रोड में गुजर रहे हैं, रात में इतनी परेशानी हो रही है, मोटे मोटे सर्फ पिछले सर्फ निकल रहे हैं, जिसकी पंचायत द्वारा कोई सुनाई नहीं हो रही है। गांव सभा में हर हमेशा मीटिंग होती है, 5 लोग बैठक मीटिंग होती है, इसकी सफाई अभियान कोई नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरा घर गिरने कगार में है आज। ये तो अभी रोड में डलवाए हैं ना, यही कह रहे हैं गिट्टीकरण डलवाए हैं। हम लोग रोड में देखे हैं तो पूरा ईटा डलवा दिया गया है, जिसके कारण लोग आ जा भी नहीं सकते, कभी भी गिर सकते हैं। तो मुर्मी का एक साधन नहीं है ना, व्यवस्था करा थे बाहर से मंगाए पर कि मुर्मी लाए नहीं, गाड़ी वाला है बोले है वाला ही। और जो तालाब जाने का एक मुख्य रास्ता है वहाँ पे भी पूरा कीचड़ से तो मैं वेदन दे है ना कर लिए, वो पास हो ही तो फिर काम न करा दो कर दिए। 4-6 महीना हो गिरला में।
जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेमरी की, जहां कीचड़ और पानी की निकासी ना होने के चलते लोग परेशान हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता ममता ग्वालवंशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ लगता है इस मामले में? जब आप मुहैया कराने के लिए पहुंची यहां पर, तमाम ग्रामीणों की सुध लेने पहुंची, क्या नजारा आपके सामने यहां देखने को मिला? जी, मैं बताना चाहूंगी कि आजादी के कई वर्ष पूरे हो जाने के बाद आज भी लोग गुमनाम की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं निकालती है जिससे गांव का विकास हो सके, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीण इलाके मूलभूत सुविधाओं से के लिए तरस रहे हैं। जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती। सरपंच द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया गया है और न ही जिसके चलते ग्रामीण बहुत परेशान है। जी, मैं बताना चाहूंगी क्या पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी का है, जहां पर गांव को देखें तो गांव पूरा पानी और कीचड़ से भरे हुए हैं, जिसके कारण गांव को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी निकासी के लिए नाली ना होने के कारण पूरा गांव पानी से लथपथ डूबा हुआ है। ममता, लगभग कितनी संख्या की आबादी वाले लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं? गांव में माने तो 300 से 400 घर यहां पर इस क्षेत्र में निवास करते हैं, और पूरा गांव की बात कहें तो पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। और सरपंच द्वारा अभी कई बार शिकायत किया गया है सरपंच से, ग्रामीणों ने, लेकिन अभी तक सरपंच कोई भी सुध लेने नहीं आए हैं। और बार बार लोगों को मिन्नतें करने के बाद सरपंच ने रोड की जगह ईंटें बिछवा दी है, जिससे आए दिन लोग गिरते हैं, जिसके कारण चोट भी कई बार लग चुकी है। और इस मामले में हमने सरपंच से भी बात करनी चाहिए तो सरपंच का यही कहना है कि जब कोई कार्य आया ही नहीं विकास करे तो मैं कहां से करूं। वो अपना ही मुंह में अपनी बुराई कर रही थी कि आज तक मैंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ममता? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आबादी जो है इसमें इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सरपंच सचिव जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर यूं कहें ममता कि अब जिस तरीके से विकास के काम होने चाहिए तो तमाम जो सरपंच सचिव हैं उनकी मिली भगत से ही यहाँ पर विकास का काम संभव नहीं हो पा रहा है। जी, सरकार कई योजनाएं तो निकालती है जिससे गांव का विकास हो सके, गांव तरक्की कर सके, लेकिन वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जो विकास होना चाहिए, गांव को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सरपंच और सचिव के भ्रष्टाचार के चलते उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जो राशि आती है उनका बंदर बांट किया जाता है, और वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के कारण सरपंच सचिव के पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। और यहाँ के अधिकारियों की बात कहे तो ग्रामीणों की लाख शिकायत करने पर भी जो अधिकारी होते हैं वो सुध लेने नहीं पहुंचते हैं, और ग्रामीणों को शुरू से ही सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है कि हो जाएगा काम, देखते हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है। जी ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि समस्या तो है। दर्शकों, आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जनमुद्दे में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेमरी की, जहां कीचड़ और पानी के चलते लोग बेहद परेशान हैं। बावजूद इसके यहां पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यहां तक कि रोड भी यहां पर उनका निर्माण नहीं करवाया गया है, जिसके चलते यहां ईंटें बिछा दी गई हैं। बड़ा हादसा भी होने की अंदेशा यहां पर लगातार बना रहता है, लेकिन फिर भी किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी की नजर इस ओर नहीं पड़ती है। वहीं जब इस मामले में हमारी संवाददाता से बात हुई तो ममता ग्वालवंशी हमारी संवाददाता का साफ साफ कहना है कि तमाम जो यहां पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी से लेकर कर्मचारी हैं वो सिर्फ बंदर बांट करते हुए नजर आते हैं। साफ साफ उनका कहना है कि हाँ, विकास वाकई में इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन सवाल सिर्फ एक, आखिर क्यों आज तक ग्राम टेमरी जो है वो कीचड़ और पानी की निकासी के लिए तरस रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं जो एक क्षेत्र में भरपूर यहाँ पर विकास के वादों के आधार पर करवाई जानी चाहिए। देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कीचड़ में तब्दील हो चुकी है सड़क, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ आज तक। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उन्हें भी विद्यालय जाने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, चूंकि
यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं कि बच्चे वहां पर गिर भी चुके हैं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो पूरी तरह से पानी में डूबते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते हमेशा दुर्घटना का शिकार होने का खतरा भी बना रहता है। बावजूद इसके यहाँ जनप्रतिनिधियों से लाख गुजारिश की गई, गुहार लगाई गई और समस्या से निजात पाने के लिए आवेदन भी दिए गए, लेकिन वो आवेदन सिर्फ और सिर्फ कागजी साबित हुए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमित्रा जिले के ग्राम पंचायत टेमरी की, जहां पर आज भी कोसों दूर बदहाली की जिंदगी जीने को ये ग्रामीण जो है वो मजबूर हैं, कीचड़, पानी और ऊपर से परेशानी। लेकिन बारिश के मौसम में लाजमी है कि पानी तो बरसता है, लेकिन हाँ, उसकी निकासी अगर सही तरीके से होती है तो ग्रामीणों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं हमारे साथ बीजेपी नेता मूलचंद शर्मा जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। शर्मा जी, क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार में यूं तो विकास के लाख दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके एक ग्राम पंचायत टेमरी ऐसी है जहां कीचड़ और पानी से लोग परेशान सिर्फ इसलिए है क्योंकि पानी की निकासी सर वहां पर नहीं की गई है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? इसमें देखिए, ग्राम पंचायत टेमरी का मामला है और ये छोटा सा पंचायत है जिसमें सरपंच और सचिव दोनों वर्तमान में है जी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये गाँव पूरा दलदल और कीचड़ से युक्त है और जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी सरपंच उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विकास के लिए जो पैसे आते हैं मूलभूत सुविधा के लिए, उस राशि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और जनता त्रस्त और परेशान है। आज स्थिति यह है कि यहाँ पर दलदल और कीचड़ से लोग लबालब हैं, लोग आने जाने की दिक्कत हो रही है और जो स्कूल है बच्चों का, छात्रों का जो पढ़ने का स्थान है वो भी पानी से डूबा हुआ है और स्कूल दूसरी जगह लगाई जा रही है। उसके बाद सरपंच और सचिव के द्वारा जो है मूलभूत की राशि प्रत्येक वर्ष में आती है, इसका उपयोग मात्र ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो अति आवश्यक हो, लेकिन आज तक इस गांव के सरपंच ने वहां पर दलदल और कीचड़ के लिए कोई बचाव नहीं किया, लोग काफी त्रस्त और परेशान। शर्मा जी, क्या लगता है, क्या सरपंच सचिव के ऊपर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि अधिकारी नहीं है जो इसकी सुध ले? क्योंकि यहाँ पर जब ग्रामीण इस तरीके से परेशान है तो सर विद्यालय जाने के लिए भी बच्चे भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिक्षा का वादा, दूसरा विकास का वादा, दोनों तरफ बीच में जनता पिसती हुई नजर आ रही है, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है, सरकार जो है, सरकार में वर्तमान में वहाँ जो है संसदीय सचिव है जी। और संसदीय सचिव जो है छत्तीसगढ़ शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अगर उनके क्षेत्र में ऐसा कोई गांव है जहाँ पर लोग दलदल और कीचड़ से विगत कई दिनों से लोग परेशान हैं और वहाँ पर आने जाने में काफी असुविधा हो रही है और जनप्रतिनिधि इस बात की अगर स्वीकृति नहीं लेता है तो ये दुर्भाग्य का विषय है। जनप्रतिनिधि के पास व्यक्तिगत भी पैसा रहता है, जिला पंचायत के माध्यम से वो इस काम को करा सकते हैं। लोगों से, ग्रामीणों से मैंने चर्चा किया, लोगों का फोन भी आया था और लेकिन ग्रामीणों का क्या जी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये तो काफी दुर्भाग्य का विषय है जी। शर्मा जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो तो लगातार जिस तरीके से विकास के वादे करती है वो तो नजर आ रही है, लेकिन बावजूद अगर यहाँ पर उन विकास का ये वादे पूरे नहीं हो पाते हैं तो क्या कुछ आपको लगता है कि इस बीच में समन्वय की कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, अभी स्थिति ये हो रही है कि सरकारी राशि के बंदर बांट का अभी खेल। शर्मा जी, दो मिनट आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ ग्राम सचिव टेमरी के रेसलाल निषाद जुड़ गए हैं। रेसलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। रेसलाल जी, क्या कहेंगे, ग्राम सचिव हैं आप और टेमरी में विकास के वादे अधूरे पड़े हुए हैं, लोग पानी की निकासी से परेशान है, क्या कुछ कहेंगे? रेसलाल जी, आपसे सवाल है। रेसलाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, क्या कुछ कहेंगे, समस्या अनेक है लेकिन समाधान एक भी नहीं सर। हाँ, अभी ग्राम पंचायत टेमरी नया पंचायत बना है जी, इसके पूर्व खमरिया पंचायत में था जी, अभी एक वर्ष हुए हैं, विकास नया अभी बना है जी, तो अभी जो पुराने तालाब जाने का रास्ता है ना जी, उसकी
स्वीकृति अभी हो चुकी है, बरसात निकलने के बाद उस रास्ता को। लेकिन सर बरसात निकलने के बाद तो समस्या ही नहीं रहेगी ना, समस्या तो बरसात के पानी गिरने से ही हो रही है। अगर अभी से समस्या का समाधान नहीं होगा तो बाद में करने का कोई मतलब ही नहीं है। समस्या का समाधान वाकई में अभी करने की जरूरत है। अभी तो बरसात में तो नहीं बन पाएगा मैडम। लेकिन सर बन नहीं पाएगा वो बात दूसरी है, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जिसके चलते जो बारिश का पानी आ रहा है उसके चलते बारिश के पानी की निकासी की जाए। दो मिनट रोकना चाहूंगी आपको। वहीं आपको बता दें मूलचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी क्या कहेंगे, बारिश के पानी जो अब निकासी होनी चाहिए लेकिन बावजूद इसके जब बारिश चली जाएगी तब इसकी समस्या का समाधान करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ ग्राम सचिव निषाद जी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो है ये गोलमोल बात है, और अभी मान लो तत्काल नई पंचायत बनी उसमें तो फंड ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि फंड की व्यवस्था तो काफी है और मूलभूत सुविधा के लिए जो राशि उपलब्ध होती है उस राशि से ऐसे काम को कराया जाता है जो अति आवश्यक है। आज बरसात का वक्त, बरसात में पूरा पानी अगर गाँव में भरा हुआ है और लोगों को निकासी की व्यवस्था नहीं पा रही है, लोग आधे घुटने पानी में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े की काफी खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सचिव को ये कहना है कि बरसात के बाद निकल जाते हैं दुर्भाग्य का विषय है। क्या कहेंगे निषाद जी, जवाब दीजिए शर्मा जी के सवाल का। ये अभी जितना बन पाएगा पानी निकासी को हम दूर करने प्रयास करेंगे व्यवस्था करने का। जी निषाद जी आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर जो निकासी है वो की जाए, लेकिन हाँ अगर बारिश के खत्म होने का इंतजार करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी यहाँ ग्रामीणों को करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी होगा। वहीं मूलचंद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि समस्या तो है, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी करना बेहद जरूरी हो जाता है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना काल सर पर है, तीसरी लहर आने की आशंका लगातार बनी हुई है, जब बच्चे इसकी चपेट में आएंगे तो क्यों आखिरकार पानी की निकासी टेमरी ग्राम पंचायत में नहीं की जा रही है, क्योंकि विद्यालय तक जाने के लिए बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस बीच बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोरोना तो दूर लेकिन पानी की चपेट में आने से जरूर यहां पर कोई बड़ी दुर्घटना बनने का अंदेशा लगातार बना हुआ है, बावजूद इसके यहां पर कोई भी जनप्रतिनिधि यहां पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं हमारे साथ ग्रामीण चंद्र प्रकाश पात्र जुड़ गए हैं। पात्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी नमस्ते। एक ग्रामीण है आप, ग्रामीण के अनुसार किस नजरिए से देखते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में, विस्तार से बताइए। जी मैडम, मैं ग्राम पंचायत टेमरी के रहने वाला हूँ मैडम। जी तहसील बेलना पड़ता है, जिला दुर्गा करना पड़ता है। जी ये अपने बेमेतरा जिला के अंदर 22 किलोमीटर दूर है, सीनाथ नदी के किनारे बसा टेमरी ग्राम पंचायत है। जी यहाँ नाली की समस्या मुख्य रूप से आ रहा है मैडम, और पानी का जो निकासी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जी और क्या क्या समस्या होती है आपके क्षेत्र में? हाँ जी मैडम, सड़क भी एक ऐसा है, सड़क इतना कीचड़ रहता है मैडम, जहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी उच्चाधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने? अधिकारी पंच सरपंच को तो बोलते हैं मैडम, बनेगा बनेगा ऐसे करके बोलते हैं, मगर बना तो अभी तक नहीं है। समस्या हो जाता जी, कितना समय हो गया आपको गुहार लगाते हुए लेकिन अब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है? 2018 से परेशानी आ रहा है मैडम, जब से नेशनल हाईवे रोड बना है, सिंगा से कवासा जाने वाली नेशनल हाईवे रोड है, तब से परेशानी का समस्या आ ही रहा है। पात्री जी जरूरत है आपको एकता दिखाने की, क्योंकि अगर सभी ग्रामीण मिलकर यहाँ पर तमाम जो वहाँ पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सचिव आते हैं रेसलाल निषाद, उनसे आपको जाकर गुहार लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, वो भी ऐसे मौके पर जब विद्यालय बच्चे जाते हैं तो उन्हें भारी बारिश का सामना तो करना पड़ता है लेकिन इस बीच जब निकासी नहीं होती है तो पानी भी वहाँ रहता है तो दुर्घटना भी हो सकती है वहाँ। क्या बोल रहे मैडम जी? हेलो हेलो जी, हमारे साथ अब पात्रे जी आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ सरपंच पति रामानंद पात्रे जी जुड़ गए हैं। पात्रे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में।
रामानंद जी क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सरपंच पद के पद पर पदस्थ हैं, बावजूद इसके यहाँ पर ग्रामीण जो है वो विकास के वादों से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का पानी हमारे क्षेत्र में भर जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि सुध नहीं लेने आ रहा। क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी रामानंद जी, आवाज नहीं समझा रहे रामानंद जी। सवाल ये है कि मूलचंद चंद्र प्रकाश जी, दो मिनट आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ रामानंद जी जुड़ गए हैं। रामानंद जी सवाल ये है कि जिस तरह से ग्राम टेमरी में समस्या आई है कि वहां निकासी नहीं है सर, पानी आता है, बारिश का पानी आता है, लेकिन वहां पर भारी पानी के चलते निकासी ना होने के कारण ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे मामले में? जब से बाईपास बना है ना, तब से पानी के लिए निकासी खेत के में मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है खेत में जी। नाली वाली व्यवस्था तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्या है, अभी बरसात में पानी जेसीबी खुदवा ही नहीं सकते, कोई और रास्ता तो निकाल सकते हैं सर जी। पहले से इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई पात्र जी, क्योंकि जिस तरह से बारिश का अंदेशा तो अभी का नहीं है मैडम, अभी का नहीं है, वो तो बहुत पहले का है ये समस्या। वही 3-4 साल हो गया है ये, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, पानी निकल भी रहा है निकलने के लिए, लेकिन कम निकल रहा है पानी वहाँ से। लेकिन समस्या है अगर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों से बात क्यों नहीं की जाती है पात्री जी, जो इसका समाधान कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि 3-4 साल पुरानी ये समस्या है, तो 4 साल बाद भी इस समस्या का अभी तक समाधान क्यों नहीं हो पाया? सभी किसान लोग जुड़े थे, सब देखे हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि यहाँ से पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। रामानंद जी सवाल ये है कि पहले पूर्व सरपंच वहाँ से खोद करके देख चुके हैं, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा था। रामानंद जी आप एक मिनट, रामानंद जी आप सरपंच पति के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं, तो फिर कहाँ तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है? फोड़ने वाली बात नहीं है इसमें, मैं जो सही है उसी बता रहा हूँ जी। रामानंद जी ये सवाल उठता है कि आखिरकार किसी उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, या फिर यूं कहें कि समन्वय की कमी के चलते इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेलो जी, हेलो रामानंद जी ये सवाल है कि आखिरकार इस बीच समन्वय की कमी कहां नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया रामानंद जी आपकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी पात्र जी चंद्र प्रकाश पात्र जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समस्या तो अनेक है लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर समस्या का भंडार लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यहां कोई भी जनप्रतिनिधि सुध लेने के लिए मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि तमाम यहां पर नेताओं से बातों की जाती है, आश्वासन भी मिलता है, बावजूद इसके यहां पर कार्रवाई शून्य है। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि तमाम आश्वासन के आधार पर यहाँ क्या विकास के काम होते हैं, या यूं ही ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ, नमस्कार।